नायाब, क्या हुआ? फोन उठाया अम्मी ने? नहीं यार, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा है वहां पे। कितनी गलत बात है ये, अम्मी को एटलीस्ट हमारे फोन तो रिसीव करने चाहिए। बता तो दे वहां पे सब खैरियत है भी कि नहीं। वही तो पता नहीं, सोचूं एक काम करते हैं, अभी आगे घर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के साथ ड्राइवर दिया और हम दोनों अकेले नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर ये है कि अम्मी के कॉल का वेट करें। तुम ट्राई तो करो। इधर लो, मैं ट्राई करती हूँ। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारी ट्राई करने से उठा लेंगे ना, जैसे देखना उठा लेंगी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाजू में गोली लग जाने की वजह से खून बहुत ज्यादा बह गया था, सर्जरी के लिए ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं मिल सकती हूँ अपने बेटे से? जी हाँ, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। आंटी, मैं भी आपके साथ चलूँ? हाँ बेटे, चलो चलो, जरूर चलो। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। खुदा का शुक्र, बहुत परेशानी थी, आपने करम कर दी। मुझे दादी के कोई तेवर अच्छे नहीं लग रहे। अगर उनके घर में दादी की चलती है तो फिर तो समझो रिश्ते से इनकार है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि डिसीजन नहीं आपका है। और जहां तक मैं उस घर को जानता हूँ, वहां पर बेटियों की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। अल्लाह करे तुम जो सोच रहे हो वो सही हो, जो समझ रहे हो वो सही हो, अल्लाह करे। नहीं आप, अरे जल्दी से अटेंड करो ना, अंदर की बात का पता चले। हेलो, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? क्या, कौन सा हॉस्पिटल? या अल्लाह खैर? नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूं। ओके ओके, क्या हुआ? किसी ने मोबाइल छीनने के चक्कर में तैमूर भाई को गोली मार दिया। अल्लाह, फिर मैं जा रहा हूं। अरे आप भी साथ जाए ना। क्यों, मैं क्यों जाऊं भाई? इसलिए कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ रहेंगे तो उनके दिल में एहसास पैदा होगा कि हमें उनकी कितनी फिक्र है। यही मौका होता है दूसरों का दिल जीतने का। अच्छा समझ गया मैं, अब देखना मैं कैसे जगह बनाता हूँ। चलो भाई, चले ना। चलो, आप लोग इस तरह क्यों रो रहे? अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो, मेरी उम्र भी लग जाए तुम। आपको तकलीफ हो रही है ना, क्या जरूरत थी आपको उन लोगों से लड़ने की? हाँ दे देते ना फोन, घर आ जाओ फिर लड़ देना तुम। ऐसी बात करने की जरूरत? अच्छा सॉरी। आप लोग प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दें, इन्हें आराम करने दें।